1986 में आलू प्याज और लहसुन की मंडी चौतरा मंडी में शिफ्ट हुई थी। तब से लेकर कभी भी लहसुन के दाम 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर नहीं पहुंचे, लेकिन पिछले दिनों इंदौर थोक मंडी में लहसुन 250 रुपए प्रति किलो तक बिका, जो अब तक का हाई टाइम है। बुधवार को भी थोक मंडी में 200 से 230 रुपए प्रति किलो तक लहसुन की बिक्री हुई। वहीं इन दिनों प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक मंडी में ही क्वालिटी के अनुसार 35 से लेकर 55 रुपए प्रति किलो तक प्याज की बिक्री रही। बुधवार को आवक अधिक होने के बाद भी प्याज के दाम ऊंचे ही थे। देखिए रिपोर्ट। लहसुन की आवक घटने का असर दाम पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लहसुन एक माह पहले 120 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, वो अब 250 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। यह दाम तो थोक मंडी में है, खेरची बाजार में लहसुन के दाम और अधिक है। लहसुन के व्यापारी सतीश पाटीदार के अनुसार मंगलवार के मुकाबले बुधवार को आवक दुगनी है, उसके बाद भी दाम में कोई कमी नहीं आई। आने वाले दो माह तक नई फसल नहीं आती है, तब तक लहसुन के दाम इसी तरह ऊंचे रहेंगे। अभी हम समझ रहे हैं नई लहसुन आने में कम से कम 2 महीना और लगेगा। मौसम और साथ नहीं दे रहा है, 2 दिन से बारिश भी चालू है, उसको देखते हुए लहसुन में 3 दिन से जो बूम आया हुआ है वो है तकरीबन 150-200 रुपये से लगा के 220-230 रुपये तक लहसुन बिकी हुई है मंडी के अंदर। कल मंडी के अंदर लहसुन की आवक 28 तारीख थी कल, और कल समझता हूँ मैं 4 से 4.5 हज़ार कट्टे की आमदनी थी। आज मंडी के अंदर 8 से 9 हज़ार कट्टे की आमदनी है, आमदनी सीधी डबल हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में कहीं भी नरमपन नज़र नहीं आ रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि बाजार आगे भी टाइट ही रहेंगे, पोजीशन टाइट ही रहेंगे। नई लहसुन आने तक पूरे यहाँ से लगा के साउथ तक की पूर्ति इंदौर मंडी या आसपास की मंडियाँ करती है, और अभी पूरा खेल ही पुरानी लहसुन के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि यहाँ पे लहसुन और अदरक एक ऐसी चीज़ है जो 100-200 ग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम इस प्रकार से बिकता है, तो निश्चित तौर पे जो लहसुन यहाँ पे 160-170-180 रुपये बिकता है वो बाजार के अब 180 रुपये किलो बिका हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो बाजार जाने के बाद में 200 रुपये के ऊपर ही बिकेगा। पाव पाव भर तोलना है खेरची वाले को 225-230 रुपये, करीबन 250-300 रुपये बिके। दाल या सब्जी में प्याज का तड़का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन इन दिनों प्याज महंगा होने के कारण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के तड़के से प्याज गायब है। दरअसल प्याज का जितना भी स्टॉक किसानों के पास रहता है वो लगभग समाप्ति की ओर है। कम आवक और अधिक डिमांड के कारण पिछले कुछ दिनों से प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। प्याज के बढ़े हुए दाम जहां किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, तो वहीं गरीब परिवारों की दाल या सब्जी में तड़के से गायब हो चुके हैं। प्याज के व्यापारी त्रिलोक सिंह तंवर के अनुसार फरवरी तक प्याज की नई फसल आएगी, तब तक प्याज के दाम इसी तरह बने रहेंगे। प्याज अभी जो पुरानी प्याज थी वो करीब करीब खत्म हो गई, किसान के पास है नहीं, तो वो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये आज का बाज़ार खुला है। और बाकी जो नई जो खंडवा की और नासिक की आ रही है अभी साझा हुआ, अभी जैसे अपने नासिक की है खंडवा की है, ये 35 से 50 हज़ार की आवक है आज उसकी, तो ये 30 रुपये से लेकर 35 रुपये बिकी आज की आवक। बस बाज़ार यही रहेंगे 25 से 30 रुपये 35 रुपये तक बिकती रहेगी, ये साल पूरा यही बाज़ार बिकते रहेंगे। माल अभी तो पुराना माल, अभी नई आवक तो है नहीं, नई आवक अपने लोकल जो मालवा की प्याज आएगी वो अभी फरवरी के आसपास आएगी, इसलिए वो अभी महाराष्ट्र की ओर साझा हुआ अपनी ये खंडवा की प्याज चलेगी, इसके कारण ये 30। हाँ, किसान को बाजार में यदि पैसा मिलता है तो किसान सोचता है कि जब अभी 5 बीघा की बोई है तो 10 बीघा की बोने की कोई चांस मिल जाता, क्योंकि बोनी के ऊपर रहता है, किसान को सब मालूम रहता है कि कहाँ पे कितनी बोई है, तो उस हिसाब से होता है बम्पर। हाँ, सभी दूर की जैसे सभी प्रदेशों में प्याज की आवक बढ़ती है, तो इसके कारण यहाँ पे भाव घट जाता है कभी कभी। नहीं, प्याज अभी कम नहीं होगी, अभी तो जैसे अप्रैल माह में ये स्टॉक होती है प्याज, उधर फिर मई जून में निकलती प्याज, तो इसलिए जो स्टॉक अभी पानी के ऊपर, अब देखो पान माउटा गिर गया तो किसानों को थोड़ी सी राहत है पानी के ऊपर, तो एक पानी इनको कम मिलेगा देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी सी बुआई अच्छी है प्याज की। बुधवार को इंदौर मंडी में करीब 60,000 कट्टे प्याज की आवक हुई, इसके बाद भी दाम में कोई अंतर नहीं आया। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र से प्याज की आवक के बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।